अब आते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो कि रिट्स डीजल में भाई काफी डिमांड चल रही है। बिल्कुल रिट्स डीजल की तरह माइलेज नहीं मिलेगा आपको, आज दोनों गाड़ी माइलेज की ही है। तो आते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो कि काफी कम प्राइस की लाइनअप है, सारी गाड़ी पेट्रोल में होने वाली है। 191 इसका माइलेज देता है, माइलेज इसका बहुत अच्छा है। अच्छा है। और ये आपका सुपर गाड़ी है, मतलब टर्न वगैरह इतना सुंदर है गाड़ी का, काला है, ये टॉप मॉडल की गाड़ी है, ये भी डीजल है। ठीक है, अब आगे आते हैं स्विफ्ट डिजायर डीजल की तरफ, काफी ज्यादा डिमांड रहता है भाई इस गाड़ी का। डीजल है, 2013 की गाड़ी है, 2028 तक का टैक्स पेड किया हुआ, VDI वेरिएंट है, पड़ेगा आज के लिए 199 में 2013 का पोलो, 28 तक का टैक्स में भर के दूंगा, 299 हाँ, 299,000 में इको स्पोर्ट मिल रहा है आपको अभी। वेलकम गाइस, कैसे हो, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक बार आगे कार्स क्लब में, और आज भी आपको एक से एक चीपेस्ट गाड़ियां दिखाने वाले स्विफ्ट डिजायर, जो खाली आपको 1.5 लाख 1 लाख के अंदर मिलने वाली है। हर एक गाड़ी भाई काफी अच्छी कंडीशन में लग रही है भाई देख के, डीजल गाड़ी भी लगी हुई है, ये दोनों गाड़ी डीजल है। और पीछे हमने दो गाड़ी जो देखा वो VXi था, मतलब पेट्रोल था, ये स्विफ्ट डिजायर डीजल में है। ठीक है, ये ग्रैंड आई10 भी डीजल में है। तो भाई आज डीजल का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कार्स क्लब से, और ये पोलो भी डीजल में होने वाली, इको स्पोर्ट्स भी डीजल। भाई आज तो मतलब डीजल की लाइनअप काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो चलिए फिर मिलते हैं, हर एक गाड़ी के बारे में जानेंगे सोहम जी से। सोहम जी कैसे हैं आप? बिल्कुल सही हूं। और आज क्या ज्यादा डीजल गाड़ी लेके आए हैं क्या? बंगाल की जनता को सुबह 9 वर्षों। तो ये डीजल गाड़ी ज्यादा है क्या आज? हाँ, आज के कलेक्शन में डीजल का गाड़ी ज्यादा है, और पॉकेट फ्रेंडली सबके बजट के हिसाब से गाड़ी रखा हुआ है। अच्छा, 50,000 भी है, 60,000 भी है, 1 लाख भी है, 2 लाख भी है, 5 लाख सब है। सब है, हाँ ठीक है। तो सबके बजट के हिसाब से गाड़ी आज मिलेगी। शुरू क्या है, यहाँ से करते हैं? आज शुरू करते हैं इको स्पोर्ट से। ये 2013 दिसंबर की इको स्पोर्ट है, 2023 दिसंबर तक का टैक्स दिया हुआ डीजल है। डीजल है, हाँ डीजल गाड़ी है, 70,000 चला हुआ, फर्स्ट ओनर। गाड़ी में फीचर्स की बात करें तो पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सेंटर लॉकिंग सब कुछ है, इनबिल्ट सिस्टम है, चारों चक्का नया है, और इसका इंश्योरेंस भी पेड है। अच्छा। और इसका प्राइस का बात करें तो इसके लिए आज के प्राइस होगा 299 हाँ, 2,99,000 में इको स्पोर्ट मिल रहा है आपको, अभी टैक्स इसका वैलिड है, आराम से अगर कोई बाहर ले जाना चाहे NOC वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। अब आगे चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो कि पोलो, ये ट्रेंड लाइन थी क्या इको स्पोर्ट? हाँ, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। अब ये वाली पोलो ये कौन सी लाइन है? ये 2013 का पोलो है, कंफर्ट लाइन। बिल्कुल। अच्छा। कंफर्ट लाइन पोलो है ये 2013 की, इसका टैक्स अभी फेल है, टैक्स में भर के दूंगा, 28 तक का टैक्स में करके दूंगा। 2013 की गाड़ी, 28 तक का टैक्स मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, कंफर्ट लाइन मिल रहा है, पावर विंडो, पावर सेंटर लॉकिंग सब कुछ है, और गाड़ी का लुक देख लीजिए, बहुत प्यारा लुक है, बहुत प्यारा है। हाँ, गाड़ी बहुत अच्छा मॉडिफाइड किया हुआ, सीट वगैरह, रूफ वगैरह, गाड़ी में अच्छा खर्चा किया हुआ गाड़ी, और माइलेज भी बहुत अच्छा मिलता है पोलो का, 20-22 का माइलेज है। और प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस पड़ेगा आज के लिए 199 में 2013 का पोलो, 28 तक का टैक्स में भर के दूंगा। 199 में भाई ये पोलो आपको मिल जाएगी, 28 तक टैक्स के साथ। अब आते हैं और ग्रैंड आई10 की तरफ, जो कि भाई ये व्हाइट कलर की काफी ब्यूटीफुल लग रही है, और ओरिजिनल पेंट तो है नहीं लग रहा है, ओरिजिनल पेंट है, ओरिजिनल पेंट, पीछे का बम्पर शिफ्ट टचअप। ये एक ब्यूटीफुल गाड़ी है, 2016 की ग्रैंड आई10 है, डीजल है, 2026 तक का टैक्स दिया हुआ, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और ये गाड़ी में आपका डीजल है, इसका माइलेज 20-22 के नीचे मिलेगा नहीं माइलेज। 16 का गाड़ी, 26 तक का टैक्स है, इंश्योरेंस भी पेड है, गाड़ी चला हुआ ये 40,000, और इसका प्राइस बोले तो 2,85,000 पड़ेगा। 2,85,000 हाँ, 2,85,000 में डीजल गाड़ी मिल रहा है, जिसका माइलेज 20-25 आपको देगी। हाँ, और इसमें आपका लोन वगैरह भी हम करवा देंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं स्विफ्ट डिजायर डीजल की तरफ, काफी ज्यादा डिमांड रहता है भाई इस गाड़ी का। डीजल है, 2013 की गाड़ी है, 2028 तक का टैक्स पेड किया हुआ, VDI वेरिएंट है, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सेंटर लॉकिंग सब कुछ मिलेगा, माइलेज डिजायर का सबको पता है, बोलने का दरकार नहीं है। ठीक है, जीरो मेंटेनेंस गाड़ी है गाड़ी, ये गाड़ी में हम लोन करवा देंगे अगर किसी को लोन चाहिए तो। ठीक है, और गाड़ी चला हुआ ये 70,000 हाँ, 70,000 चला हुआ, 13 का गाड़ी, 28 तक का टैक्स पेड किया हुआ है, दाम आज के लिए पड़ेगा 3,10,000 रुपये। 3,10,000 में 13 का गाड़ी, 28 तक का टैक्स, 3,10,000। अब इसके बाद आ जाते हैं और डीजल गाड़ी की तरफ, और ये टॉप मॉडल लग रही है स्काला, ये स्काला है, ये टॉप मॉडल की गाड़ी है, ये भी डीजल है, ये भी डीजल हाँ, 16 दिसंबर की गाड़ी है, डीजल है, पुश बटन स्टार्ट है, एयरबैग है, ABS सब कुछ है, 20-22 का माइलेज देता है, माइलेज इसका बहुत अच्छा है। अच्छा है। और ये आपका सुपर गाड़ी है, मतलब टर्न वगैरह इतना सुंदर है गाड़ी का, चला कभी गाड़ी बहुत मजा है, माइलेज भी बेहतरीन मिलने वाला है, चक्का वक्का भी देख लीजिए बिल्कुल अच्छा है, और ये 16 दिसंबर का गाड़ी है डीजल, और इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस पड़ेगा आज के लिए 175 बिल्कुल, 1,75,000 में स्काला मिल रहा है, जिसमें आपका एयरबैग, ABS सब कुछ मिलेगा। अब आगे आते हैं अगली गाड़ी की, जो कि है स्विफ्ट डिजायर डीजल, एक और ये डिजायर डीजल है, JDI है, टॉप मॉडल है। हाँ।
आठ का गाड़ी है, अभी इसका टैक्स वगैरह वैलिड है, इंश्योरेंस भी वैलिड है 3-4 महीना। गाड़ी अगर किसी को बाहर ले जाना है तो NOC भी मिल जाएगा, गाड़ी चला हुआ 70 से 75 हज़ार। अच्छा, ठीक है। JDI गाड़ी है, डीजल है, एयरबैग वगैरह सब मिलेगा, और इसका प्राइस की बात करें तो 1,10,000 रुपये। 1,10,000 में? 1,10,000 में आपको JDI गाड़ी मिल रहा है। JDI 2012 की? नहीं, आठ का गाड़ी है। आठ का गाड़ी है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते एक और डिजायर है क्या? ये VXI, ये पेट्रोल में होने वाली है। ये डिजायर है 2010 की गाड़ी है, 25 तक का टैक्स है, VXI वेरिएंट है, पेट्रोल है गाड़ी, 50,000 चला हुआ, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और VXI में चारों पावर विंडो, पावर स्टेरिंग, सेंट्रल लॉकिंग सब कुछ आता है। अच्छा। और इसका प्राइस की बात करें तो इसका दाम पड़ेगा आज के लिए 1,60,000 रुपये। 1,60,000? बिल्कुल, 1,60,000 में 2010 तक का गाड़ी, 10 का गाड़ी, 25 तक का टैक्स। अब एक और स्विफ्ट की तरफ आ गए जो कि पेट्रोल में होने वाली है। ये एक स्विफ्ट है, 2005 की गाड़ी है, 25 तक का CF किया हुआ है और लाइफ टाइम टैक्स दिया हुआ है गाड़ी, VXI वेरिएंट है, चारों पावर विंडो, पावर स्टेरिंग, सेंटर लॉकिंग सब कुछ है, चक्का वक्का देख लिए बिल्कुल नया है गाड़ी, 5 का है, लेकिन गाड़ी का कंडीशन बहुत अच्छा है। और प्राइस की बात करें तो 99,000 ओनली 99। हाँ, 99,000 में 2005 का गाड़ी, 25 तक का CF, लाइफ टाइम टैक्स के साथ। अब एक स्विफ्ट डिज़ायर आ गई VXI, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक डिजायर VXI है, 2013 की गाड़ी है, लास्ट एंड में इसका टैक्स है। अच्छा, VXI पेट्रोल ही आता है, और VXI में आपका चारों पावर विंडो, पावर स्टेरिंग, सेंट्रल लॉकिंग सब कुछ मिलेगा, चक्का बक्का नया है, आर्मी का रिटायर्ड पर्सन की गाड़ी है, गाड़ी ज़्यादा चला नहीं हुआ है, 40,000 चला हुआ, अभी सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है। और इसका प्राइस की बात करें तो 2,75,000 रुपये। 2,75,000 275 है, 2013 गाड़ी, इंडे टैक्स है 2023। राइट, अब इसके बाद आ जाते एक और गाड़ी की तरफ जो कि है होंडा ब्रायो। ये एक होंडा ब्रायो है, ठीक है, SMT वेरिएंट है, और 13 की गाड़ी है, 28 तक का टैक्स मैं भर के दूंगा। ठीक है, 13 की गाड़ी, 28 तक का मैं टैक्स भर के दूंगा, ब्रायो पेट्रोल ही आता है, डीजल नहीं आता है, SMT वेरिएंट है, SMT में पावर विंडो, पावर स्टेरिंग, सेंटर लॉकिंग सब मिलता है, कंपनी का सिस्टम, चक्का बक्का बहुत अच्छा कंडीशन में है, और AC वगैरह भी सब रनिंग है, और गाड़ी चला हुआ है ये 50,000। हाँ, अब प्राइस की बात करें तो आज के लिए 199 में 2013 का गाड़ी, 28 तक का टैक्स भर के दूंगा, टैक्स का कोई झमेला नहीं। अब ये भी है क्या स्विफ्ट डिजायर? तो ये जान लेते हैं स्विफ्ट डिजायर के बारे में, कब की होने वाली है भाई, क्या डिटेल्स रहने वाली है, गोल्डन कलर की। हाँ, ये एक फर्स्ट ओनर डिजायर है, 2011 की गाड़ी है, 2026 तक का टैक्स पेड किया हुआ, VXI वेरिएंट है, पावर विंडो, पावर स्टेरिंग, सेंटर लॉकिंग, फॉग लैंप सब कुछ आता है, गाड़ी बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, गाड़ी चला हुआ 50,000। हाँ, गाड़ी चलने में कोई आवाज़ वगैरह नहीं है, गाड़ी मिंट कंडीशन में गाड़ी है, और मारुति का गाड़ी पता ही है, जीरो मेंटेनेंस गाड़ी होता है, और इसका प्राइस की बात करें तो 191 में 2011 की गाड़ी, 26 तक का टैक्स। तो आते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो कि काफ़ी कम प्राइस की लाइनअप है, सारी गाड़ी पेट्रोल में होने वाली है, कम प्राइस का लाइनअप है ये। ये 2009 का गाड़ी है, VXI, 24 तक का टैक्स दिया हुआ है, पावर विंडो, पावर स्टेरिंग, सेंटर लॉकिंग सब कुछ मिलेगा आपको, गाड़ी 70,000 चला हुआ है, आफ्टर मार्केट एलॉयज लगा हुआ है, और गाड़ी प्राइस आज के लिए पड़ेगा 95,000। बिल्कुल 95 में 2009 का वैगन आर, 24 तक का टैक्स दिया हुआ। सेंट्रो है कब की? ये फर्स्ट ओनर सेंट्रो है, 2004 का गाड़ी है, CF 24 तक दिया हुआ है, लाइफ टाइम टैक्स है, गाड़ी चला हुआ 70,000, इसका प्राइस पड़ेगा आज के लिए 57,000 ओनली। अब आते स्विफ्ट VXI। ये एक स्विफ्ट VXI 2006 की गाड़ी है, 26 तक का CF, लाइफ टाइम टैक्स के साथ, VXI वेरिएंट है, पेट्रोल, इसका प्राइस पड़ेगा आज के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 रुपये। 1,05,000 में सिर्फ। अच्छा, अब आते वैगनार स्टिंगरे की तरफ। ये भी एक वैगनार स्टिंगरे है, 2015 की गाड़ी, 2025 तक का टैक्स है, VXI वेरिएंट है, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग सब चला हुआ है, 51,000 चला हुआ है, इसका प्राइस पड़ेगा 2,60,000 आज के लिए। 2,60,000। अच्छा, हम आते हैं अगली गाड़ी की तरफ, LXI। स्विफ्ट LXI है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, गाड़ी 24 तक का टैक्स है, फर्स्ट ओनर है, गाड़ी 33,000 चला हुआ है, बिल्कुल नया गाड़ी है, बम्पर टू बम्पर, इसका प्राइस पड़ेगा आज के लिए 1,35,000। बिल्कुल। टाटा इंडिगो मांझा। ये मांझा ऑरा क्वाट्रा जेट है, पेट्रोल है, 11 की गाड़ी है, गाड़ी है, पेट्रोल है, 80,000 चला हुआ है, बम्पर टू बम्पर, ओरिजिनल पेंट, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसका प्राइस की बात करें तो आज के लिए सिर्फ 75,000। बिल्कुल। अच्छा। 75,000 में आपको ये फर्स्ट ओनर गाड़ी मिल रहा है, 18,000 चला हुआ, 18,000 चला हुआ। अब आगे भी कोई गाड़ी? अब एक स्विफ्ट VXI नहीं भाई, ZXI है, ZXI टॉप मॉडल होता है मारुति का, जिसमें एयरबैग वगैरह सब कुछ मिलता है, कंपनी का सिस्टम मिलेगा, पावर विंडो मिलेगा, पावर स्टीयरिंग मिलेगा, सेंट्रल लॉकिंग मिलेगा, एयरबैग, ABS, LOS सब कुछ मिलेगा, 10 का गाड़ी, 25 तक का टैक्स दिया हुआ,
ये पेट्रोल गाड़ी है, गाड़ी चला हुआ 70,000, और प्राइस की बात करें तो 151 में आपको टॉप मॉडल गाड़ी मिला ZX है। वाह क्या बात है भाई, 1.5 लाख में और क्या चाहिए आपको भाई, टायर कंडीशन भी अच्छी है काफ़ी सही। अब आगे चलते हैं, दो गाड़ी और देखते हैं। अब आते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो कि रिट्स डीजल में भाई काफ़ी डिमांड चल रही है। बिल्कुल, रिट्स डीजल की तरह माइलेज नहीं मिलेगा आपको, और दोनों गाड़ी माइलेज किंग ही है। अच्छा, ये भी डीजल है, ये भी माइलेज किंग है। ये 14 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर, 2024 तक का टैक्स है, डीजल है, VDI है। VDI में आपको चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग सब कुछ मिलेगा, फॉग लैंप वगैरह। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, गाड़ी 50,000 चला हुआ है, और इंश्योरेंस टैक्स पूरा पेपर वैलिड है। इसका प्राइस की बात करें तो आज इसका प्राइस पड़ेगा 199,000 में भाई ये वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी। रिट्स गाड़ी मिल रहा है जिसका माइलेज लेके भाड़ा वाड़ा भी खटा सकता है। अब आते हैं कि आखिरी गाड़ी की तरफ, पल्स। ये भी 2013 की गाड़ी, इसका टैक्स फेल है, मैं टैक्स भर के दूंगा। ठीक है, 2028 तक का। अच्छा, 2013 का गाड़ी, 28 तक का टैक्स मैं भर के दूंगा। और इसका फीचर्स की बात करो तो एयरबैग वगैरह सब कुछ है गाड़ी में, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एयरबैग सब कुछ है। और गाड़ी माइलेज किंग गाड़ी है, इसका माइलेज 25-26 का नीचे नहीं देता है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा माइलेज है इसका। और इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आज के लिए 175,000। हाँ, 1,75,000 में 2013 का गाड़ी, 28 तक का टैक्स भर के मिल रहा है। बहुत सही। अब आगे चलते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं क्या। तो बात है आखिरी गाड़ी की तरफ जो कि क्विड होने वाली है। ये क्विड है, 2017 की गाड़ी है, 27 तक का टैक्स है, RXL है, 1000 CC वाली गाड़ी, 17 की गाड़ी। इसका भी टैक्स फेल है, मैं टैक्स आपको हाथों हाथ करके दूंगा। 17 का गाड़ी, 27 तक का टैक्स, RXL गाड़ी है, जिसमें आपको एयरबैग वगैरह सब कुछ मिलेगा, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और बैक कैमरा वगैरह सब कुछ है। ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 51,000 चला हुआ है। ठीक है। हाँ, और इसका प्राइस की बात करें तो आज के लिए पड़ेगा 2,11,000। 2,11,000 में 1000 CC का गाड़ी, 17 का गाड़ी, 27 तक का टैक्स, इसमें भी लोन हम करवा देंगे। बहुत सही। तो यही सब गाड़ी है ना आज आपके? हाँ, आज यही गाड़ी है फिलहाल, तो अभी यही गाड़ी है, और भी गाड़ी आएगी, वरना है 18 की सनरूफ वाली, ऑल्टो मिल जाएगी, i10 मिल जाएगी, अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं फिलहाल में, तो अभी ये स्टॉक में ही खड़ा है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एड्रेस वगैरह की जरा बता दीजिए, क्या एड्रेस पड़ा मेरा? 154B शरद बोस रोड, नियर लोकेशन आपका शिशु मंगल हो जाएगा, चाहे देशोपी पार्क आ जाइए, जतिन दास पार्क भी पड़ जाए, ये मेरा लोकेशन पड़ गया। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए फिर गाइस, आई होप कि आज का ये कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो क्या करना, आप लोगों को सब पता है। तो चलिए फिर वीडियो समाप्त करते हैं स्वामी जी, चलिए फिर वीडियो समाप्त करते हैं, ये पहले ही आप जाने लगे। चलिए, जय महाकाल, थैंक यू।